हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी गार्डनिंग। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा हम ऑरेंज यानी मौसम्बी को सीड से किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैंने ये कुछ ऑरेंज के सीड कलेक्ट करके रखा हूँ। ये देसी ऑरेंज के सीड नहीं है दोस्तों, ये जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो वाला ऑरेंज का सीड है। इन सीड्स को ऑरेंज से निकलकर पानी से अच्छी तरह से धोकर इसमें रखा हूँ। तो दोस्तों, मैं इन सीड्स को लगाने के लिए जो सॉइल मीडिया यूज कर रहा हूँ उसमें 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 40% सेंड और 20% गोबर खाद को अच्छी तरह से मिलाकर इस डिस्पोजल ग्लास में भर लिया हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें सॉइल को पानी से अच्छी तरह से भिगो देना है। इसके बाद मैं इनमें सीडलिंग करूंगा। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारा जो सीड है उसको हम सॉइल में हल्का सा प्रेस कर देंगे इस तरह से। दोस्तों, हमें सीड को बहुत अंदर नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा सा सॉइल में प्रेस कर देंगे। और उसके बाद हमें सीड को कवर कर लेना है, अच्छी तरह से कवर कर देंगे सीड को। तो दोस्तों, इसी तरह से मैं इसमें भी सीड लगा देता हूँ। दोस्तों, मैं इन दो डिस्पोजल्स में चार चार करके 8 सीड लगाया हूँ। तो दोस्तों, इसके बाद हम इनमें और थोड़ा थोड़ा सा पानी दे देंगे। दोस्तों, इसके बाद हमें इन सीडलिंग्स को पार्शियल शेड में रखना है, जहाँ पर सिर्फ सुबह का 3 से 4 घंटे का सनलाइट आता हो। दोस्तों, ये 25 दिन बाद का अपडेट है। देखिए दोस्तों, ऑरेंज का सीड अच्छी तरह से जर्मिनेट हो गए हैं। दोस्तों, मैं इसमें 4 सीड लगाया था और 4 सीड जर्मिनेट हो गए हैं, लेकिन दोस्तों इसमें अभी तक सिर्फ 2 सीड ही जर्मिनेट हुए हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं 8 सीड लगाया था, उनमें 6 सीड जर्मिनेट हो गए हैं। तो दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। दोस्तों, ये 40 डेज बाद का अपडेट है। देखिए दोस्तों, मेरे सारे सीडलिंग बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों, अब ये सीडलिंग दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, मैं अब इन सीडलिंग्स को दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट कर दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।